हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैं अपने बच्चे चाहे अपने बालों में कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। ये मेरी बेटी है जो कि अभी 6 साल की हुई है, तो मैं आज इसी के बालों में ये ऑयल अप्लाई करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने अपना घर का बनाया हुआ तेल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने तेल लिया है थोड़ी सी, जो कि मैं अपने बेबी के बालों पे अभी अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं अपना और अपनी बेबी के बालों पे और कैसे अप्लाई करती हूँ तेल को, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहे और देखें मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। ये मेरे बेबी के बाल हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने बालों में ऑयलिंग लगाने के लिए कोई बाहर का फैंसी तेल या महंगे प्रोडक्ट्स मैं नहीं यूज़ करती, ना मैं अपने बेटी के बालों के लिए कोई तेल यूज़ करती हूँ बाहर का। मैं अपने और अपने बेटी के बाल के लिए मैं तिल का तेल और कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल, ये तीनों को मिक्सर रखती हूँ, मिक्स करके एक शीशी में रख लेती हूँ और मैं वही तेल सप्ताह में 2 दिन अपने बालों पर भी लगाती हूँ और अपनी बेटी के बाल पे भी लगाती हूँ। इसलिए मेरे बाल इतने अच्छे काले घने और लंबे हैं, इन यहाँ तक कि मेरे बाल की जो थिकनेस है, एक सिंगल स्ट्रैंड की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी मोटी है। आप पता नहीं इस वीडियो में गौर कर पा रहे हैं कि नहीं, मगर मेरे बाल की थिकनेस भी बहुत अच्छी है और अभी आफ्टर पोस्ट डिलीवरी भी काफ़ी हेयर फॉल मुझे हुआ, मगर अब 5-6 महीने का मेरे बेबी हो गया, 4 महीने से मुझे हेयर फॉल चालू हुआ और यही तेल लगाने से मेरा हेयर फॉल भी तुरंत कम ख़त्म हो गया और न्यू बाल भी काफ़ी जल्दी आ गए हैं। मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर्स सामने से बहुत सारे निकल आए हैं। नॉर्मली ये तो नॉर्मल होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल होना नॉर्मल होता है, मगर वो सबके बाल उतने नहीं आ पाते हैं, बट मेरा रिकवरी भी बाल का बहुत जल्दी हो जा रहा है। ये तेल सबके लिए बहुत अच्छा है, आप इस तेल को लगा के ज़रूर ट्राई करें और हाँ, मसाज ज़रूर करें। मसाज करने से हमारा जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बूस्ट हो जाता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण हमारा बाल का ग्रोथ और जो नए बाल के जो सेल्स होते हैं, जो नए बाल के जड़ होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो बाल अच्छे रहेंगे तो खूबसूरती भी अच्छी लगती है, तो बाल पे तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबकी चाह होती कि लंबे काले घने बाल हो, तो आप ये तेल ज़रूर ट्राई करें। मैं तो काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, यही तेल यूज़ करती हूँ और बाकी तेल मैं उतना नहीं जाती हूँ। हाँ, थोड़े मोड़े ये घर में अपना घरेलू चीज़ कर लेती हूँ, बाल पर लगा लेती हूँ कभी कभार, वो भी बेबी होने के बाद उतना तो कोई पॉसिबल हो नहीं पाता है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं होममेड चीज़ ही ज़्यादा यूज़ करूँ और अपने बेटी का बाल पे भी वही यूज़ करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में देखिए मैं अपने फिंगर टिप से बेबी का चाहे अपने बालों को भी स्कैल्प में मसाज करती हूँ और उसका भी इसी से फिंगर टिप से, कभी भी नाखून से चाहे हथेली से नहीं मालिश करते हैं सर का, उसके आगे से जो फिंगर टिप होते हैं उसमें हल्का सा तेल डुबो के हल्का हल्का मालिश किया जाता है सर को, ताकि रिलैक्स लगे और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। सॉरी, यहाँ ये मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है, थोड़ा सा तो बोलने में उतना क्लियर नहीं है, आई होप आप समझ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें। आपको जिस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं मैं उसी टाइप का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप मुझे नीचे कमेंट भी करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे कमेंट करें, मेरा वीडियोस देखें और आपको जिस तरह का वीडियो देखना है, चाहे जिस बारे में वीडियो देखना है, हेयर को लेके, चाहे कुकिंग को लेके, चाहे बेबी को लेके, कैसे मसाज करना, चाहे कौन सा तेल लगाना, कैसे क्या करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।